हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। कितना खाएगा यार मैं। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी, जो बनाने में आसान भी और टेस्टी भी। पहले एक बर्तन में पानी उबालने के लिए रख लें। और घर में जितने खाने वाले हैं उसके हिसाब से मैक्रोनी डाल लें। अब हम इसमें थोड़ा तेल डाल लेंगे, जिससे मैक्रोनी आपस में नहीं चिपकेगी। जब हमारी मैक्रोनी उबल जाए तो पानी निकाल के मैक्रोनी एक जगह अलग रख लें। फ्रेंड्स, अब बनाएंगे मैक्रोनी का मसाला। एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख लेते हैं। मसालों में आप हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने स्वादानुसार मिला लें। अब तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल लेते हैं। एक कटोरी में तब तक मलाई अलग से निकाल के रख लें। अब हमारा प्याज अच्छे से भुन चुका है, तो इसमें हम कटा हुआ टमाटर और मलाई भी मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मलाई पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप इसे यूज कीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं।
फ्रेंड्स अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च, पनीर, बीन्स, धनिया पत्ती कुछ भी डाल सकते हैं। अब हमारे मसाले पूरी तरह से पक चुके हैं तो इसमें फटाफट मैक्रोनी डाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर डाल लेंगे जिससे मैक्रोनी का कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे और मैक्रोनी को 2 से 4 मिनट तक पकने देंगे। फ्रेंड्स अब हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।